हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं गाइज, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है वो अभी किस हालत में है। ठीक है, राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसने भी आपके साथ गलत किया है अभी वो किस हालत में है, देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के साथ जिसने भी गलत किया है, जो भी गलती उनके साथ की गई है वो लोग किस हालत में है अभी। ठीक है, इनके साथ गलत करके वो किस हालत में है, प्लीज गाइड मी। टावर, टेन ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ वॉन्स, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया है वो किस हालत में है अभी। ओह माय गॉड, टेन ऑफ सॉर्ट्स, एट ऑफ सॉर्ट्स, नाइन ऑफ वॉन्स, फाइव ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, हरी अरग क्या है ये, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्स, स्ट्रेंथ। ओके डियर, सो मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं और मैं बोलना चाहूंगी भगवान से कि ये क्या है। बहुत ही ज्यादा पेनफुल एनर्जी आ गई है, तो मतलब अब मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जिन्होंने अभी आपके साथ गलत किया है उनकी हालत क्या है। ठीक है, ओके गाइस, तो मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माय गॉड, कार्ड्स ही बोल रहे हैं सब कुछ। जैसी रीडिंग आप करते हो ना उसी तरीके से यूनिवर्स कार्ड्स देते हैं और बिल्कुल वही मैसेजेस भी देते हैं कि माय गॉड। ठीक है, सो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं एंड आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया है, ये कर्मा तो कर्मा है डियर। ठीक है, सो कर्मा अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली कर्म करने से पहले सोच लेना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कर्म आपसे मिलने आते हैं। ठीक है, लौट लौट के आते हैं। सो पहला ही कार्ड टावर का गिरा है। ठीक है, आपने देखा था कार्ड्स गिरे थे पहले वाले, टावर, फोर ऑफ वॉन्स एंड टेन ऑफ वॉन्स। ठीक है, सो पहले ही शुरुआत ही तांडव से हुई है। ठीक है, तो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है गाइस, पहला ही कार्ड टावर का है, उनकी लाइफ में तांडव चल रहा है। ठीक है, और तांडव ऐसा है कि बहुत सारे डर इस इंसान के, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है इस वक्त में अपनी लाइफ में। ठीक है, डर का मतलब क्या है, देखिए डर का मतलब क्या होता है कि इंसान हमेशा दिखावे में जीता है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिखावा करता है, सबके सामने बहुत अच्छी उसकी इमेज होती है ये कि मैं अच्छा इंसान हूं। लेकिन मैंने आपको कई बार रीडिंग में एक चीज बोली है कि आप यूनिवर्स को जब देखते हो ना तो आप समझ जाइए कि दो लोगों से आप कभी नहीं बच सकते, एक तो खुद से, एक परमात्मा से। ठीक है, आपने क्या किया, कैसे किया, किस इंटेंशन के साथ किया, आप कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, दो लोग हमेशा जानते हैं, एक आपकी आत्मा और एक परमात्मा। ठीक है, सो दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, आप कितने अच्छे हैं, ठीक है, आप क्या क्या कर लेते हैं सब यूनिवर्स को पता है। ठीक है, तो आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है, आप माने कि या ना माने कि मैं गलत हूं, यूनिवर्स को पता है कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं। ओके, और आपको खुद भी शायद पता होता है बट इंसान मानता नहीं है। यहाँ पर टावर का कार्ड आया है तो आपके जो पर्सन है, आपके जो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, काफी सारे लोग लव लाइफ के अकॉर्डिंग रीडिंग देखते हैं, लेकिन मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं वो सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं निकाले, मैंने ये पूछा था कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है वो कोई भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, आपके
बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मैंने सिर्फ पार्टनर के अकॉर्डिंग कार्ड्स नहीं निकाले हैं, तो जिन्होंने भी किया है डियर, ठीक है, आप यकीन मानिए पहला ही कार्ड टावर का आया है, ठीक है, तो मतलब यूनिवर्स तो नहीं छोड़ेंगे डियर, ठीक है, आपको यहां तक भेजा है उन्होंने हीलिंग के लिए, ठीक है, लेकिन वो जिन्होंने भी आपके साथ आपको हर्ट किया है, आपके साथ गलत किया है, उनको यूनिवर्स नहीं छोड़ेंगे, पहला ही कार्ड टावर का गिरा है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस पर्सन को जिसकी भी आप जिसको लेकर भी आप जानना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा बोझ तले दब गया है इंसान, ठीक है, लोगों का बोझ उठा उठा के डर में जी रहा है। डर किस चीज का होता है? डर इस चीज का होता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं मेरी असलियत सामने ना आ जाए, कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि मैंने क्या किया है, ठीक है, कहीं लोग मुझे गलत ना समझ लें, ठीक है, कहीं लोग मेरे मेरे को जान ना जाएं, या फिर बहुत सारे डर होते हैं, कहीं मुझसे कोई चीज छूट ना जाए, कहीं मैं इसे खो ना दूं, कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं इसे, मतलब बहुत सारे डर होते हैं, आपको तो डर के बारे में पता होगा ना, ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे डर होते हैं। तो आप भी जो पर्सन है आपके जो जिनके लिए भी आप ये पूछ रहे हो कि वो आपको धोखा देकर किस हाल में, डेफिनेटली बहुत ज्यादा डर में जी रहे हैं, हर दिन उनको इस पर्सन को डर और रिग्रेट रहता है, एंड बोझ तले दबे हुए हैं, ठीक है, यूनिवर्स ने इस पर्सन के ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, इतना बोझ डाल दिया है, ठीक है ना। अब बोझ बोझ में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, बोझ में प्रॉब्लम नहीं होती है, और आप बोझ उठाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सहारे मिलते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको लोगों के लिए करना भी है, उनका उनका बोझ भी उठाना है, ठीक है, और आपको हर वक्त इस चीज का भी डर है कि मैंने जो किया उसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, मैं अब आपको सब पता होता है कि आपने क्या क्या किया है और उसका क्या परिणाम आ सकता है। सो परिणाम की जब आप बारे में सोचना स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत तकलीफ होती है, एंड टावर कार्ड दिखाता है कि चीजें इस तरीके से हिल जाना जो आपने सोची भी ना हो, मतलब वो चीजें हो जाना जो आपने सोची ना हो, ठीक है, जब आपके साथ एक चीज गलत होती है तो आपको लगता है पता नहीं अब इस चीज की सजा किस लेवल से मिल सकती है, ठीक है, टावर कार्ड बताता है कि जब भी सजा मिलना स्टार्ट होती है ना तो वो सर से पैर तक मिलती है, कहने का अर्थ है कि एक तरीके से भूचाल सा आता है, आपने तो टावर फेस किया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है कि टावर कैसा होता है या फिर ये कैसा लाइफ का कैसा फेज होता है, टावर जब आपकी लाइफ में आता है तो क्या क्या होता क्या है, सो आपको ये चीज भली भांति पता है, और डेफिनेटली जब आपको ये चीज मालूम है तो आपको ये भी पता होगा कि इसका इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इंसान डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे, एंड फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी तो दिखा रही है कि बहुत भारी रिग्रेट है, बहुत रिग्रेट है, अपनी गलतियों पर इतना पछतावा है कि हाय काश मैंने नहीं की होती, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने इसका दिल ना दुखाया होता, काश मैंने उसका दिल ना दुखाया होता, काश मैंने ये ना किया होता, ठीक है, यही चलता रहता है इंसान के दिमाग में, एंड फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी तो बहुत रिग्रेट और सैड की एनर्जी होती है, इतना सैड इंसान होता है, इतना रिग्रेट होता है इस इंसान को कि मैंने क्या कर दिया, अब डार्क एनर्जी होती है ये, आप देख सकते हैं डार्क कार्ड्स ज्यादा आए हैं, ठीक है, देखिए अगर आप ये सवाल अपने किसी लव पर्सन के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एस ऑफ सबसे एनर्जी है, कोई इंसान ने लव को इग्नोर करके पैशन को अगर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है, चाहे पैशन उसका करियर हो या फिर उसका अट्रैक्शन हो किसी और के प्रति, मतलब जैसे होता है ना बहुत सारे लोग को, बहुत सारे लोग पर अट्रैक्शन हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पैशनेट रहते हैं और लोगों के प्रति, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि करियर में बहुत पैशनेट रहते हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति ये पर्सन था तो ये इस वक्त में प्यार की तरफ देख रहा है, मतलब कि एक बूंद प्यार की ही मिल जाए, मतलब कोई प्यार से बोल ही दे, कुछ प्यार से बात ही कर ले, कोई प्यार को थोड़ा सा कहते हैं ना कि प्यार को तरस जाना एक तरीके से, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप्स के ऊपर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि इतना घायल इंसान, ये भी देख सकते हैं इसको, पता है क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं चीटिंग, इस कार्ड का मतलब ही चीटिंग है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 सॉर्ड्स लगे रहते हैं इंसान के ऊपर, जो ये बात करते हैं कि इसको बहुत मतलब बिट्रे कर दिया किसी ने, ऐसे ऐसे चीट कर दिया, ऐसा धोखा दे दिया कि हालत खराब हो गई है इस इंसान की, सो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी हो जाती है, एंड ऐसी एनर्जीज के साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, सो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि जो भी इंसान है वो प्यार के लिए तरस गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो अगर आप किसी लव पर्सन के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, लव लाइफ में ये चीज पूछ रहे हैं, तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ प्यार की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन प्यार की तरफ देख रहे हैं कि कुछ प्यार मिल जाए, कहीं से कोई थोड़ा सा मतलब सहारा दे दे, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि मैंने जैसी कार्ड्स निकाले हैं उसी तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर कोई बहुत स्टक हो चुका है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई इंसान स्टक हो चुका है, उसको चीजें समझ में नहीं आ रही है, उसकी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, लाइफ कहाँ जा रही है, कितना दुख मिल सकता है, मतलब एक होता है कि इंसान इस चीज में जीता है कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये एक अलग तरीके का फियर होता है, एक फियर ये होता है कि
मुझे तो कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप किसी के साथ कुछ गलत कर देते हो तो आपको ऐसा लग लगता है कि मुझे कभी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं मिल सकता है, मैं कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मैंने गलत किया तो मुझे गलत ही मिलेगा। एंड जब ऐसा सोचने लगता है इंसान तो वो गलत मैनिफेस्ट होने लगता है। ठीक है, ये चीजें मुझे यहां पर नजर आ रही हैं। इस इंसान की हालत इस लेवल से बुरी है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यहाँ पे कर्मा साइकिल भी है डियर। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात कर रहा है यहाँ पे साइकिल की। ठीक है, और फोर ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात करता है। तो जैसे हम स्टेबिलिटी को देखते हैं ना डियर, तो मैसेज मिलता है कि एक ऐसी अवस्था जहां पर आपके आपकी स्टेबिलिटी बिल्कुल हिलडुल गई है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ भी चीज स्थिर नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ में सारा जैसे ना शेकिंग एनर्जी जो होती है कि एकदम सब कुछ आया तूफान से आया एंड सब कुछ हिल गया। ठीक है, वो एनर्जी होती है कि आपकी स्टेबिलिटी भी आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आप स्टेबल हैं। ठीक है, ना आपको मेंटली स्टेबिलिटी फील हो रही है, ना आपको फिजिकली स्टेबिलिटी फील हो रही है, ना आपको इमोशनली कोई स्टेबिलिटी फील हो रही है, ना आपको फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी फील हो रही है, ना आपको स्पिरिचुअली कोई स्टेबिलिटी फील हो रही है। मतलब लाइफ में ये तीन चार पांच चीजों में स्टेबल होना काफी जरूरी है इंसान का, और इन्हीं चार पांच चीजों में आप स्टेबल नहीं है। ठीक है, और अगर ये मैरिड लाइफ को लेकर कोई मैसेज है गाइस की अगर देखिए मैरिज में तो चीट करना समझ लीजिए कि आपने अपनी कमर खोद ली। ठीक है, क्योंकि सिंगल्स के लिए हम ये बोलते हैं कि कोई इंसान है जो आपसे मैरिज करना चाहता था बट उसकी मैरिज कहीं और होगी, तो हम ये कहते हैं कि आप लोगों को डेस्टिनी में अगर नहीं लिखा यूनिवर्स ने, ठीक है आप दोनों मिले बट ये डेस्टिनी नहीं लिखी, तो ऐसा होता है कि इंसान ने अपना कर्मा निकाल लिया, दोनों कर्मा था दोनों ने निकाल लिया, अब अच्छे अच्छे पार्टनर्स के साथ उनकी मैरिज हो गई, या फिर वो दोनों एक दूसरे के कार्मिक थे, या फिर जो भी है उनकी मैरिज हो गई किसी और इंसान के साथ और उनको अच्छा पार्टनर मिल गया। बट अगर आप किसी को मैरिड लाइफ में चीट करते हैं, कभी भी मैरिड लाइफ में चीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी चीट नहीं करना चाहिए मैरिड लाइफ में, बट यहाँ पर मैरिड लाइफ में अगर किसी को बहुत चीट किया गया है, ठीक है आप मैरिड लाइफ में चीट मत करिएगा। ठीक है, यूनिवर्स समझ लीजिए कि इस चीज को माफ नहीं करते कि आप किसी को मैरिज करके धोखा दें। ठीक है, क्योंकि मैरिज के बाद इंसान के पास वैसे भी ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, स्पेशली कोई लड़की हो। ठीक है, स्पेशली कोई लड़की हो उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे कम हो जाते हैं ऐसा बोला जाता है। ये चीज बहुत यहाँ पर नजर आ रही है। अगर इन्होंने आपकी स्टेबिलिटी छीनी है और इन्होंने आपकी लाइफ में आप तूफान लेकर आए हैं, ये इन्होंने आपकी लाइफ में तांडव किया है तो इनकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये भी मैसेज है कि अगर किसी को बहुत स्ट्रांग ये बिलीफ मतलब ऐसा भरोसा कराया गया था, उनके दिमाग में ये चीज डाली गई थी कि आपके साथ ही शादी होगी। ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं था उसमें, 100% श्योर था व्यक्ति की शादी करेगा, एंड आपने उस चीज को लेकर इस पर्सन की बात को माना, इनको इनकी हर बात मानी, क्योंकि इन्होंने आपको एक स्ट्रांग कमिटमेंट दे रखी थी इसलिए आपने इस पर्सन की हर बात को माना, और फिर ये मुकरे हैं अगर। ठीक है, ये भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि फिर ये मुकरे हैं अगर, देन यहाँ पर स्ट्रांग कर्मा बन रहा है डियर। ठीक है, आप अपने स्टार्टिंग से जो भी आपकी लाइफ में चीजें होती हैं उनके हिसाब से क्लियर रहिए। ठीक है, अगर आप कनेक्शन में आते हैं पहले दिन से क्लियर रहिए कि आप दोनों कनेक्शन में हैं, बट देखेंगे देखेंगे इस चीज को लेकर कि आगे मैरिज का क्या सीन बन रहा है। ठीक है, या फिर आप अपने हिसाब से स्टार्टिंग से क्लियर करते चलिए, लेकिन स्टार्टिंग में जब इंसान कनेक्शन में आता है तो मैरिज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड बहुत ज्यादा नया नया खून, ठीक है बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, और वो सब बहुत सारे वादे कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। ठीक है, और इतने सारे वादे करने के बाद, ठीक है वादे करने के बाद आप स्वार्थ के लिए अगर भागे, ठीक है उसके बाद आप समझ लीजिए कि तांडव होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि आपने भरोसा जीता, आपने उस इंसान को भरोसे में लिया, उसके साथ उसके समझ लीजिए आपने उसकी जो भी कर सकता था वो उसने किया। ठीक है, जो भी आपके लिए कर सकता था उसने वो किया। ठीक है, उसके बाद आपने चीट किया, देन तो फिर आप गए। ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं कि आप किसी को भी मैरिज के नाम पर धोखा नहीं दे सकते और मैरिज करके धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं आप। ठीक है, ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज अलाउ होती तो एक अलग बात होती। खैर, अगर आप खुद से जुड़े हुए हैं और अगर आप अंदर की आत्मा को सुनते हैं, इंट्यूशन को सुनते हैं, आप खुद ही ये चीजें नहीं करेंगे, आपके मन से नहीं आएगा। ठीक है, और आपके मन से आ जाता है अगर आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और कर देते हैं काम, ठीक है तो फिर रिग्रेट करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वक्त किसी का सगा तो होता नहीं है। ठीक है, समय किसी का सगा नहीं है। बहुत इंसान कितना भी कुछ भी बोले, सबको रोना पड़ता है, दूसरों को रोलाने वालों को रोना तो पड़ता ही है। तो ये चीजें यहां पर नजर आ रही हैं। ओके, एक दो कार्ड ओशो ज़ेन से और लेते हैं।
हालत खराब है गाइस, जिसने भी आपसे गलत किया है, ट्रस्ट इंटेंसिटी साइलेंस। आपको पता होगा कि जब भी दिल टूटता है तो सबसे पहले खामोश हो जाता है इंसान, तो वही इंसान की स्थिति बन गई, खामोश हो गया, अपना दर्द किसी से बयां नहीं करता, लोगों पर से इस पर्सन का भरोसा हट गया है। देखिए जब यूनिवर्स आपको तोड़ने पर आते हैं, आप कितने भी पैसे वाले हों, आप कितने भी बलशाली हों, कितना ही पावर हो आपके पास, कितना ही व्यवहार हो आपका, आप कहीं के राजा प्रधानमंत्री कुछ भी बैठे हों, कहीं के भी कुछ भी बने हों, जब यूनिवर्स आपको तोड़ने पर आएंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि कहीं से नहीं बचते हो आप, ठीक है। तो ट्रस्ट का कार्ड ये दिखाता है कि इस वक्त में इस पर्सन का ट्रस्ट तोड़ रहे हैं लोग, भरोसा तोड़ रहे हैं, अगर इन्होंने तोड़ा है तो लोग इनका तोड़ रहे हैं। एंड साइलेंस का कार्ड दिखा रहा है कि इतना व्यक्ति मतलब खामोश हो गया है इतना ज्यादा कि वो अपना दर्द भी किसी से कह नहीं पा रहा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इस पर्सन के अंदर ऊर्जा बढ़ती ही जा रही है, मतलब कहने का ये है कि बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा है इस इंसान के अंदर, और ये इंसान मतलब खामोश हो गया, ये अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहा है कहीं पर, दर्द गुस्सा आप देख सकते हैं कार्ड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। सो ये एनर्जीज है जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, तो यूनिवर्स उनको माफ बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू गाइस।